Assalamualaikum, कसौटी एट ओपन माई कैफे UAE स्पेशल में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रुबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राणा जूम पर हैं FSJ कुछ थोड़े से ज़्यादा अरसे के बाद और शकील साहब। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ चैलेंजर भी मौजूद है जूम पर, चंद प्रीत साहब। Assalamualaikum या सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, बिल्कुल कैसे हैं आप? ठीक है। आप सुनाए, कैसे हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, इंडिया से। बता रहे थे कि ग्रैंड पेरेंट्स का ताल्लुक पिशावर से था। बोथ यस, बोथ साइड्स फ्रॉम पिशावर। अच्छा, आपने कभी पाकिस्तान विजिट किया? नहीं जी, अभी तक तो नहीं किया, नॉट येट। लंगा खुलन तो बाद भी तुसी नहीं आए। नहीं सर, मेरा एक्चुअली ना इंटरेस्ट जेड़ा है, सब तो पहले तो पेशावर जान दई है जी, उस तो बाद फिर करतारपुर साहब और लाहौर और इधर उधर जावांगा, बट लेट्स सी। अच्छा जी, ये दसो कि शख्सियत मर्द है जी सर, जिंदा, जी सर, एशियाई, जी सर, साउथ एशियन, जी सर, ताल्लुक इंडिया नाल, जी सर, एक जिंदा मर्द जिंदा इंडियन जिसका ताल्लुक इंडिया नाल है, और सरदार जी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है, नो सर। वजह शोहरत इल्म फजल है। इल्मो फजल थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे प्लीज? इल्मो फजल में सरदार जी शामिल है हर वो चीज जिस तरह लिटरेचर है, आर्ट, कल्चर, जो राइटर्स होते हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, मुहक्किक हैं, रिसर्चर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये सारा इल्मो फजल से मुतालिक है। हाँ जी, यस सर। शकील साहब, योर विटनेस। जनाब, तो जिंदा शख्सियत मीडिया मोस्ट प्रोबेबली। सरदार जी, आपने जवाब तब देना है जब आपसे मुखातिब किया जाए। आप चूंकि फॉलोअर हैं, आपको पता है हम आपस में भी गुफ्तगु करते रहते हैं, करेक्ट तो करेक्ट इसमें शख्सियत का ताल्लुक मीडिया से है। जी सर। वाह, गुड। सम जर्नलिस्ट हैज टू बी अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट और टेलीविजन शो होस्ट जी, और मोस्ट न्यूज प्रोबेबली, होस्ट। मोस्ट प्रोबेबली यस। क्या कोई टीवी शो होस्ट करते हैं? जी सर। अच्छा जी, हमने बहुत सारे पहले कर रखे हैं, रविश कुमार है, फिर अपना एक दो और हैं जो हम कर चुके हैं। सर शकील साहब, डू यू रिमेम्बर? जी जी एक वो भी थे शकील साहब, वो जो आपकी अदालत वाले, वो भी हम कर चुके हैं। रजत शर्मा, रजत शर्मा कर चुके हैं, और होगा भी, देख लेना शकील साहब, कोई बड़ा रिबेलियस किस्म का जर्नलिस्ट, नॉन कंफॉर्मिस्ट। क्यों जनाब? वजह शोहरत इनकी, इनका रिबेलियस अंदाज है, नॉन कंफॉर्मिज्म है। जी सरदार सर, जी ऐसा ही है। जी शकील साहब, बात रविश कुमार की तरफ जाती है, थोड़ा सा आप जरा आइए उधर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने पहले कर चुके हैं, आई एम नॉट श्योर। नहीं, मेरा ख्याल जिक्र ऐसे हुआ है, हुआ नहीं वो, आई डोंट रिमेम्बर। फिर देन इट इज 100% रविश कुमार। जरा एक दो सवाल कीजिए सरदार जी से। सरदार जी, ये ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको NDTV जिन्होंने छोड़ा रिसेंटली और अपना टीवी शुरू किया, अपना YouTube चैनल शुरू किया उन्होंने, जी, हिंदुत्व और BJP के मुखालिफिन में शुमार होता है इनका। जी सर। यूक्रेन वॉर पे इनका बड़ा लंबा चौका, बहुत सारे मौजूदात पे, बहुत सारी चीजों के ऊपर, इज वेरी क्रिटिकल ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इनके मुखालिफिन उनको रविशुद्दीन भी कहते हैं। जिस तरह बरखा दत्त को बुरका दत्त कहते हैं कई लोग। नेहरू को क्या कहा करते थे? जवाहरलाल को, मौलाना नेहरू, मौलाना नेहरू जो थोड़ा सा लिबरल हुआ उसको फॉरेन टैग कर दिया। ओके, अच्छा तो शकील साहब आइए फिर एक सवाल दागे और नाम ले। रविश कुमार ही हैं जी? नहीं, रविशुद्दीन, वही रविशुद्दीन बड़ा मशहूर टाइटल है। हाँ जी सरदार जी, इनको इनके मुखालिफिन रविशुद्दीन भी कहते हैं। सर मैंने सुना नहीं, बट बट okay. कहते होंगे क्योंकि नाम होता ही है। आपने सरदार जी रविश कुमार का पूछा। जी सर जी, एग्जैक्टली, और बहुत शानदार पर्सनालिटी। वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट आई नो। करेक्ट करेक्ट, क्या या बिल्कुल निडर और बिल्कुल ऑन द फेस,
Is he from Madhya Pradesh? Where is he from originally? No, sir, he's from Bihar. He was born in Champa. Bihar. Yeah, Bihar. Bihar, okay. Bihar. Okay. Yeah, okay. He did his graduation and everything from Delhi. So he's settled up in Delhi now. But he's from Bihar. Okay. Yeah, he's written a few books also. Or Raymond Magsaysay Award winner hai. Goenka Award winner hai. And first ones to kick NDTV when Adani took over. So, yeah. वैसे कितना identical है शकील साहब ये कि गोदी मीडिया हमारे मुल्क में भी है, गोदी मीडिया इंडिया में भी है, और सबसे पहली तलवार इन पर गिरती है कि बड़ा चैनल इन्हें निकाल देता है. सरदार जी मेरे नाल यही होया जे. Even sir, I follow you. I follow Imran Riaz Khan also. सारे नाल यही होया जे. चुप के इस तरह बाहर सुटते ने जिस तरह तो भी नहीं कपड़ा बाहर कड़दा पानी चो थोड़ा करके. Absolutely. Very, very sad state of affairs in both the countries. पर this is how it is. लेकिन देख लो इंटेग्रिटी भी अपना मूल मंगती है, आजादी भी अपनी कीमत मंगती है, और ऑनर भी अपनी कीमत मंगता है. Absolutely. We are very proud कि असीं वो कीमत चुकांदे रहेंगे इंशाल्लाह ताला. Thank you very much, सरदार जी. Thank you very much for bringing in such a beautiful personality. Thank you, Nikhil Office. जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? समीर शर्मा जी ने. जी शर्मा साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं डर्बी यूके से बात कर रहा हूँ, पर मैं होशियारपुर से हूँ, पंजाब से, लेकिन अभी मैं यूके में हूँ. शर्मा जी समीर का मतलब क्या है? फ्रेश एयर. आहा, ओके. और आप करते क्या हैं? मैं आईटी में हूँ, मैं डेटा एनालिस्ट. अच्छा. हूँ. ओके ओके. राइट. और मेरी आज काफी पर्सनैलिटीज आपकी टीम ने रिजेक्ट की है, बट फाइनली हम एक पर्सनैलिटी पे एग्री हुए. So you have our commiserations. Right. I don't know on what criteria they were rejected. One of them I found was quite famous, so it should have gone through. उसमें शर्मा जी आइडिया ये होता है कि अगर 10 लोग पढ़े लिखे 10 लोग बैठे हैं, उनमें से 5 ने कम से कम वो नाम सुना हुआ हो, इस तरह का है कि लोग उसके साथ कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर सकें, कुछ उसको जानते हो. राइट राइट. अच्छा शर्मा जी एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि पढ़े लिखे भी इलाकाई अहमियत के हामिल होते हैं. कि रोमानिया के 10 पढ़े लिखे और तरह सोचते हैं, पोलैंड के और तरह से, इंडिया के और तरह से, पाकिस्तान के और तरह से. हमारी चूंकि बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान है. मसलन एक बड़ी आम सी मिसाल, एक आम सी मिसाल इसमें मैं झटकी सी ये देता हूं कि एक शख्सियत थी जो बंदा माउंट एवरेस्ट पे वो जो नेपलीज गया था सबसे पहले, वो हिलरी के साथ, शकील साहब हम नहीं पूछ पाए थे और वो भाई साहब हैरान हो रहे थे. एंजिंग नॉर्गे, वो बहुत नॉर्गे, नॉर्गे को हम नहीं पूछ पाए थे इसलिए कि हमारी प्रॉक्सिमिटी उधर नहीं बनती. बहुत सारी चीजों में इस तरह होता है. हमारे यहाँ को बहुत बड़ा फन्ने खान जर्नलिस्ट इंडिया में हो सकता है गुमनाम हो, तो इस तरह हो जाया करता होता है. तो चलिए शख्सियत मर्द है समीर साहब? जी सर. जिंदा नहीं? एक मर्द है जो जिंदा नहीं है. ताल्लुक एशिया से? नहीं सर. ताल्लुक यूरोप से? यस सर. यूरोपी मर्द जो जिंदा नहीं है. अच्छा जब हम यूरोप कहते हैं तो क्या मेनलैंड यूरोप से? मेनलैंड से यस. इसका मतलब बर्तानिया नहीं. अच्छा मेनलैंड है तो पहले तो ये शकील साहब डिटरमिन किया जाए उसका इरा. या तो शर्मा जी इनकी डेथ को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर. 25 साल से ज्यादा? यस सर. 25 से ज्यादा? 1973 से 98 के दरमियान. 1973 और 1998 के दरमियान. तो वजह शोहरत की तरफ आए, मुल्क की तरफ ना आ जाए पहले? मेरे ख्याल सियासत से शुरू कर लें. हाँ चलें ठीक है, गो अहेड. क्योंकि इस दौर में कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट या कोई इस तरह का नहीं मुझे लगता कोई. नहीं नहीं कोई राइटर, मैं राइटर अदीब सोच रहा हूँ, कोई स्पोर्ट्समैन. लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, आइए तरतीब बार आइए. जी शर्मा जी इनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी सर. शकील सर इज ऑन फायर टुडे आई थिंक दैट्स राइट. सियासत और हुकूमत. अच्छा जी सेंट्रल यूरोप का मेरे ख्याल में अच्छा चांस है इसमें. व्हेन डिड फ्रांको डाई? तो फ्रांको
वाज दैट 75, ये पीरियड वही आ रहा है। अच्छा, और उसको भी शॉर्टलिस्ट कर लें, साइड पे कर लें। कर्ट वाल्डहाइम को हाँ भी वाल्डहाइम शॉर्टलिस्ट का कर ही लें। मेरे जेन में भी वही आ रहा था। ये अहम शख्सियत जो है वो हम एक एक फिर करके, हेल्मट जर्मनी एंड आई थिंक हेलमट कोल आल्सो डाइड इन दैट कोल पीरियड। भी बिल्कुल। फिर टीटो, टीटो, यस, योगोस्लाविया, मार्शल टीटो। मार्शल टीटो इज इम्पोर्टेंट, मार्शल टीटो भी है, विली ब्रांट भी है, विली ब्रांट भी है। फिर विली ब्रांट, और व्हाट एक अबाउट फ्रांसवा मित्रा। फ्रांसवा मित्रवा की तरफ ही मेरा दिमाग जा रहा था, और एन उस वक्त मेरा दिमाग से निकल गया उसका नाम, फ्रांसवा मित्रवा फ्रॉम फ्रांस। यस, मित्रवा स्टैंड्स अ फेयर चांस। ये सारे मेनलैंड यूरोप के बड़े चौशेस्को, अकाबरीन है। चाउशेस्को फ्रॉम रोमानिया, यस, हो सकता है। फिर देखिए, हम रशिया को सिरे से इग्नोर कर रहे हैं, पूरा सोवियत यूनियन, पूरा सोवियत यूनियन, या स्टार्टिंग विद ब्रेजनेव, निकिता, निकिता से शुरू करेंगे आप। ब्रेजनेव, निकिता डाइड अर्लियर, निकिता डाइड इन द 60s, निकिता डाइड इन, आई थिंक 72 और 73। सर ये वही पीरियड है, निकिता क्विट या अर्ली, लेकिन ये पीरियड वही है। ही वाज फिर डिपोज्ड। है पॉट गॉर्नी, अलेक्सी कोसिजन, ब्रेजनेव, शेवरनाथ्से, क्रोमिको, ग्रोमिको, सानू बचपन से इन टॉफियां दे नाम याद होंदे सी। एक एसआरए, आंद्रोपोव भी थे, आंद्रोपोव, आंद्रोपोव, लेट्स नॉट और यस, फॉरगेट। यूरी आंद्रोपोव, वेरी डेंजरस लुकिंग मैन। केजीबी कमितत, ये सारे ओ ने सर, शर्मा जी तुहानू इन्हां ने फाड़ लेना है, फाड़ लेना, छेती फाड़ लेना जी, लग रहा। और केजीबी से पता क्या बनता है एफएसजे? कमितत हाँ जी, गसुदार स्तवाए बजो पॉज नास्ती। या मैं इन्हें, अच्छा जी, इलाका डिटरमिन करें। अच्छा जी, ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से है शर्मा जी। जी सर, हाँ, रशिया, ईस्टर्न ओके, यूरोप, ईस्ट। अच्छा, लेख वोवेंसा भी है, लेख ही इज वोवेंसा अलाइव भी है। इजंट ही? आई थिंक ही इज हाँ, अलाइव, ही इज अलाइव। आर यू वो हम कर श्योर? चुके हैं, वी कवर्ड हिम। या अरे तो बहुत ही बुजुर्ग है, अभी तक जिंदा है। यस, पोलैंड, ही इज अराउंड 90 नाउ। मस्ट बी इन 90s। अच्छा जी, एक तो सोवियत यूनियन, रशिया जेन में रखिए, फिर आप आ जाइए चाउशिस्को रोमानिया, पोलैंड में लेख ववेंसा आप कह रहे हैं जिंदा है, और कोई। अच्छा जनाब, ताल्लुक रशिया से है, सोवियत यूनियन जो पुराना था, जी सर, ताल्लुक है, सोवियत यूनियन बट से सोवियत ताल्लुक। यूनियन इंक्लूडेड सो मेनी अदर स्टेट्स ना। रिपब्लिक्स, जी, रिपब्लिक्स बट है तो जैसे शिवनाटजे है, ही इज फ्रॉम जॉर्जिया, शिवनाथ से बिल्कुल, शिवनाटजे एब्सोल्युटली। वाज फ्रॉम जॉर्जिया, आई एम 100%। सर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ मिसलीड नहीं करना चाहता मैं, जित 1990s में आई थिंक सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ है, राइट? नाइनटीन जी जी नाइनटी जी वन में, अक्टूबर ट्वेंटी राइट, सेवन 1991। करेक्ट। तो आप पूछ रहे हैं कि जब ये ब्रेक हुआ उस वक्त ये पार्ट था उसका या नहीं? नहीं, नहीं, मैं उसमें समझा नहीं। मेरा ख्याल है, वो पूछ रहे हैं कि जो पर्सनालिटी आपसे पूछी है, वॉज ही द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन? ऑब्वियसली ही मस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, बाद में चाहे वो ब्रेक अवे हो गया हो। कुछ कंट्रीज थी जो सोवियत इन्फ्लुएंस में थी, बट 1991 में वो पार्ट नहीं थी जब ब्रेक हुआ सोवियत यूनियन, या ऐसा भी था। ओके, आई एम साउंड्स कंफ्यूज मोर अ लाइक लिटिल बिट। रोमानिया। व्हाट्सएप एक्ट कंट्रीज की तरफ आ जाते हैं फिर, ठीक है, फिर हम सवाल थोड़ा सा हाँ, सॉफ्ट, आपने सॉफ्ट किया है तो हम भी थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं मिसलीडिंग हो जाता थोड़ा अगर। जी। चलें, ये बता दीजिए कि वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज में से एक है ये। जी, इज देयर अनदर क्वेश्चन? नो नो, रोमानिया, ये सेम क्वेश्चन, या नहीं, दो क्वेश्चन हो रोमेनिया गए ना ये सोवियत यूनियन का। वजन, सोवियत यूनियन पे तो उन्होंने कुछ और, एक एक्स्ट्रा लिख दें, 11 सवाल। 11 सवाल हो गए, मतलब कि ये अच्छा जी, सोवियत चौशेस्कू, इन्फ्लुएंस, सोवियत इन्फ्लुएंस का मतलब तो फिर ऑब्वियसली ये हुआ कि इट इज नॉट सोवियत यूनियन, सोवियत इन्फ्लुएंस होना और बात है। और यूरोप में रोमानिया, बल्गारिया, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, दीज वर ऑल, योगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, बुदापेस्ट, यस। हंगरी। तो फिर मार्शल टीटो आता है भाई, वो मेरा ख्याल बाल्टिक, है कि वॉर्सो पैक्ट में नहीं था, यूगोस्लाविया वॉज नॉट पार्ट ऑफ वॉर्सो पैक्ट। यूगोस्लाविया,
ਜ਼ਾਗਰਬ, ਜ਼ਾਗਰਬ ਵਾਸ ਇਨ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਬਲਗ੍ਰਾਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਜ਼ਾਗਰਬ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬਲਗ੍ਰਾਡ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਲਗ੍ਰਾਡ ਇਸਕਾ ਕੈਪੀਟਲ ਥਾ, ਜ਼ਾਗਰਬ ਬੜਾ ਆਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਾਗਰਬ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਡਰ ਸੇ, ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਗਰਬ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਸਰ, ਬਟ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਯਾ ਯਾ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ, ਰੋਮਾਨੀਆ, रोमानिया पे जाएं जी, रोमानिया देखें पहले। अच्छा जी, ताल्लुक रोमानिया से है। और एक क्वेश्चन, यस सर, के जी, और वायलेंट डेथ थी उनकी जी, ही सेज यस सर, या एंड चाउशेस्कू डाइड अ वायलेंट डेथ, इनकी डेथ वायलेंट थी शर्मा जी, यस सर, वायलेंट डेथ, चिकन साहब डिड ही डाई इन बुखारेस्ट, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, अपनी चले मैं अगर कहें तो क्वेश्चन चेंज कर दूं, अपनी एहलिया के हमरा से जब इनका इंतकाल हुआ, जब इनके इनको मर्डर किया गया, राइट, फिर आपने चाउशेस्को पूछा है ऑफ रोमानिया जी, निकोला चाउशेस्को है। मैं अभी रोमानिया विजिट कर रहा था सर, तो रिसेंटली तो वी सॉ के वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस है, इनके बहुत सारे म्यूजियम्स बने हुए हैं, बहुत इनका बनाया हुआ है, पार्लियामेंट इज द हैवीएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो उसको ये लोग अभी क्या है, उसकी टिकटिंग होती है हर जगह विजिट करने की टिकट, तो माई वाइफ वॉज डिस्कसिंग विद मी के कैपिटलिस्ट सोसाइटी का देखो के सोशलिस्ट की हिस्ट्री भी बेच के पैसा कमा रहे हैं। बुखारेस्ट का एक इंटरेस्टिंग, बुखारेस्ट जो है ना, दिस यूज टू बी द सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ज्वेलरी एट वन टाइम, बुखारेस्ट वाज नोन फॉर इट्स ज्वेलर्स हु यूज टू क्रिएट ज्वेलरी फॉर द रशियन जारीनाज एंड द रशियन रॉयल्स, राइट, सो बुखारेस्ट में डायमंड सेटिंग जो है, डायमंड ज्वेलरी डिजाइन एंड सेटिंग बहुत मशहूर थी, राइट सर, it's still there, और मेरे को confusion था कि इन लोगों को किसी और सिटी में ले जाके इनको मर्डर किया था, but it was Bucharest, so आपका question was valid, रोमानिया पे काफी influence है, और उसके बाद इनकी economy भी break हो गई थी, और his 25th December की जो इनकी speech है, it's very famous, अभी भी YouTube पे है, तो जो last address था अपनी public के लिए इनका, और सर मेरी आफताब सर से एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो इब्ने बतूता जो आपका सेगमेंट है उसमें कभी आप होशियारपुर को कवर कीजिए जी, जरूर, व्हाई नॉट, वी विल डेफिनेटली डू दैट, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, इंशाल्लाह ताला वेरी सून यू विल बी सीइंग अस डूइंग द शो ऑन अ न्यू सेट, एंड आई प्रॉमिस यू वी विल स्टार्ट इब्ने बतूता, वी विल रिज्यूम इब्ने बतूता विद होशियारपुर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट, एंड मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा अगर कुछ भी चाहिए होगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो सर, बट आप कैमरा लगा के अकेले भी बोले वी आर हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, जीते रहिए, एक और बात है कि आप इंतजार ना कीजिएगा, स्टार्ट डूइंग योर वर्क, और जो ही कोई बेस्ट 5-6 सफे हो जाए तो आप भेजिए हमारे प्रोड्यूसर को, श्योर सर, आई विल, थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू टीम जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका जी, मेरा नाम शिराज खान है और मैं सऊदी अरेबिया रियाद से बात कर रहा हूँ, वेलकम टू कसौटी, थैंक यू, पहले भी कर चुके हैं ये जी सर, सोहेल अहमद, जी जी सोहेल अहमद पूछा था, बबू भाई क्या करते हैं, ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक है, खैरियत से, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं रामको का कंपनी है जो रामको प्रोजेक्ट करते हैं वाबी जी, उसमें जॉब करता हूँ एज अ क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर, हम चक्कर लगा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे तक आएंगे, अराउंड जनवरी मे बी नवंबर दिसंबर जनवरी तबूक में हम डेरा डालेंगे, तो नियम सिटी में कुछ करने का इरादा है फिल्म के हवाले से, अच्छा, तो आपसे फिर एक मजीद फासला कम हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, फासला यहाँ से तकरीबन 1800 किलोमीटर है आपसे सर, जी 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 जी, 3 घंटे 3:15 की फ्लाइट है यहाँ से नियम सिटी की, जी जी, अच्छा जी, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है जी सर, जिंदा जी सर, एशियाई नो सर,
एक मर्द जो जिंदा है लेकिन एशियाई नहीं है, तो ताल्लुक गोया यूनाइटेड स्टेट से। यस सर। और अब पूछें कि यूनाइटेड स्टेट्स में फॉरेन कैसे पहुंचा? आपकी कंपनी की वजह से, अरबों की वजह से। जी सर। शकील साहब इसी तरह उगलवा लेते हैं आपसे चीजें और बाद में फिर इसलिए आसानी हो जाए। खान साहब पहले नहीं डिटेल्स देते, पर्सनालिटी गैस करवाने के बाद देते हैं। कुछ इतने पक्के होते ठीक हैं वो जवाब ही नहीं देते, कहते ये मैं बाद में है बताऊंगा कि मैं कहां से हूं, मैं क्या करता हूं। सही, वही अच्छा जी, बोल सर। अच्छा शिराज साहब ये बताइए कि ताल्लुक अमेरिका से है, जिंदा है और वजह शोहरत शोबिज है? यस सर। राज भाई तुम फेरा पिया। एक्टिंग नहीं, शोबिज इतना वसी है, लेकिन शुक्र है आज हमारे साथ FSJ मौजूद है। एक्टिंग के शोबे पे जाएं पहले। अदाकारी जी, अच्छा शिराज साहब, वजह शोहरत अदाकारी है? भी है। बी है, सो ही इज अ अदाकारी डायरेक्टर नहीं है एंड वो एन एक्टर। तो नॉलन सर, फॉरन जेन में वही आता है, क्रिस्टोफर नॉलन ही आता है जेन में, और भी उसमें बथेरे नॉलन होंगे, मेल मेल गिब्सन गिब्सन आता जो है है, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन, लेकिन है सर उसका पासपोर्ट ना, आज अमरीकी है। फिर क्लिंट ईस्टवुड। मेल, हाँ मैं क्लिंट ईस्टवुड का सोच रहा था, जी। इज मोस्ट लाइकली 90+। जी, लेकिन इनमें डायरेक्टर सबसे बड़ा, जितने नाम लिए हैं क्रिस्टोफर नॉलन, बहुत बड़ा डायरेक्टर। वो भी है, क्लिंट ईस्टवुड भी इज अ वेरी क्लिंट वेरी बिग ईस्टवुड नेम इन है सर, डायरेक्शन। है यकीनन है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसे लोग उसकी डायरेक्शन से ज्यादा अदाकारी पे याद रखेंगे, उसकी फिल्में याद रखी जाएंगी। नॉलन तो अपनी डायरेक्शन पे याद रखा जाए। पहले तो ये डिटरमिन कर लें FSJ के, हो सकता है सिंगर कम एक्टर ना हो कहीं, या डायरेक्टर तो डायरेक्टर एक्टर जो है ये पूछना पड़ेगा, हाँ, सिंगर कम एक्टर्स, लेकिन वो कम रह गए ना, बहुत ही कम रह गए। वो 70s 80s 60s अच्छा ये शिराज पीरियड था, साहब ये फ्रैंक बताइए सिनाट्रा, डीन मार्टिन। कि नो ये सर, अदाकारी के साथ साथ इन्होंने डायरेक्शन में भी शोहरत पाई? देखें जी, ये तीनों जो हमने गिने थे सब आउट। डायरेक्शन पे कार नहीं। नो, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। FSJ हमने ये डिटरमिन नहीं किया कि वो टीवी का आदमी ना हो, नहीं, वुडी, अब देखें, लेकिन वुडी एलन तो खैर हाँ डायरेक्टर भी है ना, ही इज अ राइटर ऑल्सो, वुडी डायरेक्टर एलन, भी है। वुडी एलन वुडी राइटर, एलन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर, एक्टर है। इसी तरह ही मेल ब्रुक्स है, बिल्कुल, मैं भी लेकिन मेल अगर ब्रुक्स का भी सोच रहा डायरेक्टर था। नहीं है, मेल ब्रुक्स से ज्यादा मखौलिया आज तक ना देखा है ना मैं सोच सकता हूं कि आने वाले दिनों में भी होगा कोई। वो बाकमाल आदमी, दैट्स उसे जीनियस ट्रू, कहा जा सकता है, कॉमिक जीनियस, बिल्कुल ही इज। और जो पैरोडी कर देता है वो सुभान अल्लाह, उससे अच्छी पैरोडी क्या करता हो। अच्छा, ये एक्टर के अलावा वी नीड टू डिटरमिन दैट कि एक्टर के अलावा क्या है। सिंगर डायरेक्टर नहीं शायद, है, सिंगर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर जो जिंदा एक्टर सिंगर, एक्टर सिंगर, डायरेक्टर ना हो जिन्हें डायरेक्टर पे शिराज इन्होंने नो लेवल किया में। था। डायरेक्टर एक पे वो है नो ना किया जो हुआ आप, इन्होंने? नहीं एक नहीं, जो हमारा शिराज खान जो वो है, साहब, शिराज खान साहब प्लीज, कोई करेक्शन आई है हेड जी ऑफिस जी से कि जी जी आपने डायरेक्टर पे नो किया है कि उसकी जी दूसरी वजह शोहरत, डायरेक्शन में सर, शोहरत भाई, वो आप कह फिल्म रहे हैं कि मेकर, नहीं। जी फिल्म मेकर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं सर। जी, आपका जवाब भी है, आपने जो नो बोला ना। सॉरी सॉरी, फिल्म मेकर भी हैं। फिल्म मेकर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, तो फिल्म मेकर, डायरेक्टर, ये तो मेल गिब्सन, मेल मेल ब्रुक्स, गिब्सन भी है, क्लिंट ईस्टवुड भी है, मेल क्लिंट ईस्टवुड भी है, फिर ये कॉमेडी वाले सारे आ गिब्सन गए भी सर। है, वुडी फिर डिटरमिन करें, कॉमेडी भी एलन, करके साइड पे करें। हाँ बिल्कुल करें, कॉमेडियन अच्छा जी, वजह शोहरत कॉमेडी है भैया? भी हैं। अच्छा, कॉमेडियन भी है, इज अ कॉमेडियन टू। नो फिर मेल नो ब्रुक्स है सर, फिर मेल ब्रुक्स और वुडी एलन। वुडी एलन, ये दो ही हैं। वुडी एलन इज फ्रॉम वेस्टर्न भी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, या वुडी एलन इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। वुडी एलन जो है ये म्यूजिशियन भी है बाय द वे, जी 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 ये जी अपना एकेडमी अवार्ड नहीं लेने आया था बिकॉज ही वाज सपोज्ड टू बी प्लेइंग। हाँ, और तो एक स्कैंडल भी सिम्फनी, बना था ना इनका, वो सिम्फनी में वो था। इसकी अडॉप्टेड डॉटर के साथ, मिया फैरो, और इसकी जो अडॉप्टेड बेटी थी।
और इसकी हर फिल्म में कहीं ना कहीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर होता है, जेलो होता है या वायलिन होती है। बट ये वुडी एलन को नहीं पूछेंगे, ज्यादातर आई मीन ज्यादा चांसेस मेल ब्रुक्स के हैं। मेल ब्रुक्स के चांसेस ज्यादा शायद इसलिए कि मेरे मुंह से मेल ब्रुक्स के बारे में जो कलमात निकलते हैं। और ब्लेजिंग सैडल्स, अच्छा जी, इसकी जो है ना हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज द मास्टरपीस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हाँ टू बी और नॉट टू बी वाज अ रिमार्केबल मूवी, लाइफ स्टिंक्स इज एन एक्सीलेंट मूवी, हाई एंग्जाइटी, रॉबिनहुड, रॉबिनहुड रॉबिनहुड की भी पैर थी और हाई एंग्जाइटी, हाई हाई एंग्जाइटी भी है। एंग्जायटी टेक वो भी है, एक वुडी एलन की है, टेक द मनी एंड रन। द मनी एंड रन, जिसमें बड़ा जबरदस्त एक सीक्वेंस है वेरी मीट्स एन ओल्ड फ्रेंड एंड ही इज ट्राइंग टू मग हिम, और साथ साथ उनकी कॉन्वर्सेशन होती है रिमेम्बरिंग कॉलेज डेज। और एक इनका एक और डायलॉग भी बड़ा मशहूर है ना, कि जेल में एक दफा गए तो साथ हाँ वाले से पूछते हैं तुम्हारी कितनी सजा है, उसने कहा 5 साल, कहता अच्छा मेरी 4 साल है, मुझे फिर दरवाजे के पास बैठने दो। क्वेश्चंस कितने हुए जी? आठ। आठ। अच्छा जी, टेक द मनी एंड रन इनकी फिल्मों में शामिल है? यस सर। ओहो, ओके 8 सवालों पे बैठ गए सर श्रीवास्तव, सर आप पहुंच गए आपने थे, वुडी मैं नहीं एलन बैठा पूछा था। है। जी सर बिल्कुल ठीक। सर बात यह कि अभी आज आपका मैंने वो देखा था व्लॉग जो साथ चला था गवर्नमेंट के सिलसिले में, जो आज बब्बू साहब बने हुए थे अब्बासी साहब, उस सिलसिले में सर क्या मेरे, हम जो यहाँ डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी और आपस में, हम ये समझते हैं कि अब 2 ढाई साल तक कोई भी आ जाए मुल्क को उस तरह नहीं संभाल सकता जिस तरह होना चाहिए 2 ढाई साल तक, क्या इस सिनेरियो में इमरान खान को आना चाहिए सर? नहीं सर, ये तो बड़ी विशफुल थिंकिंग है कि आना चाहिए। इसका जवाब तो जाहिर है कि इमरान खान शुड हैव कम यस्टरडे, आने वाले दिनों में नहीं, ये यस्टरडे आना चाहिए था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल तो इतनी हाथ से निकल गई है कि इवन अब इमरान खान भी आकर नहीं संभाल सकता। आई जी एम सर यही सॉरी, डिस्कशन है, यही अब डिस्कशन है सर इमरान हम खान बोल भी रहे हैं। आएगा तो सूरत हाल संभलेगी नहीं, क्योंकि जो कुछ शुरू हो चुका है ना, वो जो केमिकल रिएक्शन था वो शुरू हो चुका है। उसके इन्वोक होने से पहले अगर कोई तब्दीली आ जाती तो आ जाती, अब ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जी सर हम भी यही इस बात करते हैं कि अब इमरान खान आ भी जाए तो अब ना आए कुछ अरसे बाद आ जाए, वो अब निकले तो जल्द से जल्द वो अल्लाह उसे रिहा करे जल्द से, लेकिन बाद में आए तो बेहतर है, क्योंकि अब इस टाइम आके हर कोई गंदा ही होगा सर पॉलिटिक्स के अंदर ये आके सर। तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए और होने जा रहा है। चले, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर, सिराज थैंक यू साहब, सर, बहुत थैंक शुक्रिया। यू।